फिर से एक कहावत है कि सी फेयर की तरह लगेज पैक करना किसी को भी नहीं आता है। तो ये एक कहावत ही नहीं है, ये एक सच्चाई भी है। मैं एक खुद सी फेयर हूँ एंड 2008 से मैं सेल कर रहा हूँ। एंड जब भी मैं अपना लगेज पैक करता हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 6 से 9 महीने की मैं लगेज पैक करता हूँ एक साथ, एंड वो भी अंडर 20 kg। तो आइए जरा आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं एंड देख लेते हैं कैसे मैं अपना बैगेज को पैक करता हूं एंड उसमें क्या क्या चीज डालता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ सीफेरर्स के लिए नहीं है। सीफेरर्स जो ज्वाइन करने वाला फर्स्ट शिप या फिर एक्सपीरियंस भी हो सकता है, उनको अगर कोई दिक्कत होता है कभी कभी कि क्या क्या शिप पे लेके जाने की जरूरत है, तो उनको भी ये वीडियो देख लेना चाहिए। एंड अगर आप सीफेरर नहीं हो, अगर आप कोई दूसरा प्रोफेशन से रिलेट करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में शिफ्ट करना चाहते हो, हॉस्टल में शिफ्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये पैकेज लिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड आप उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगा। अभी हम लोग देख लेंगे वन बाय वन कि मैं अपना पैकेजिंग कैसे अपने हिसाब से कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भगवान का जो फ़ोटो है वो साथ में हमेशा कैरी करता हूँ। एंड ये जो पैकेजेस में जितने फ़ोटोज़ हैं, ये फ़ोटोज़ मैं अपना फर्स्ट शिप से कैरी कर रहा हूँ। फर्स्ट शिप भी नहीं, जब मैं कॉलेज में था तब से मैं कैरी कर रहा हूँ। एंड यही फ़ोटोज़ मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। अभी देख लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा पाउच मैं यूज़ करता हूँ। ये खासकर मैं ये अपना हैंडबैग में रखता हूँ इसके लिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग जैसे ट्रेन में ट्रेवल करते हैं या फिर एयरपोर्ट में ट्रेवल करते हैं, हम दोनों फ्लाइट के इन बिटवीन थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो हम लोगों को कुछ सामान ऐसा होता है जो हम लोगों को हैंडबैग में कैरी कर लेना चाहिए, उसके लिए छोटा सा पाउच है। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये से एक है हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र मैं अभी कोरोना वायरस के लिए नहीं, मैं बहुत पहले से यूज़ करता हूँ, क्योंकि हर जगह हम लोगों को हैंड वॉश नहीं मिलता है, पानी से साफ़ करने का मौका भी नहीं मिलता है। एक छोटा सा फेस वॉश रख लेता हूँ, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप ये बहुत काम आता है आपका फ्रेशनेस के लिए। ये है एक ईयर प्लग। ये ईयर प्लग आप खरीद सकते हो, अमेजन से भी खरीद सकते हो या फिर आपका लोकल मार्केट में मिल जाएगा, बहुत सस्ते वाला है। ये काम आता है अगर समझ लीजिए आपको स्लीपिंग की बहुत ज़रूरत है एंड एरिया जो आप जहाँ पे हो वो बहुत नॉइजी है, तो ये आप कान में लगा सकते हो एंड लगा के एक गहरी नींद ले सकते हो। एंड ये सिमिलर बेसिस टाइप का है, ये आप आँख में लगा के सो सकते हो, तो बाहर का जो लाइट है वो लाइट नहीं आएगा एंड आपको एक अच्छी नींद मिल जाएगी। एंड ये है एक छोटा सा टाइनी सा टूथब्रश एंड एक छोटा सा टूथपेस्ट। ये सब मैं कैरी करता हूँ अपने हैंडबैग में। इस पर इस बार देखिए, मैं थोड़ा सा ज़्यादा घड़ी लेता हूँ। ये मैं दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपको भी 3-4 घड़ी लेना चाहिए, ये मेरा ऊपर है, मैं ये 3 घड़ी लिया साथ में। ये है एक ट्रैवलर का किट जो मल्टीपर्पज़ यूज़ में आता है। और मैं रखता हूँ एक छोटा सा स्पैनर, कभी कुछ भी काम आ सकता है इसके लिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल ट्रैवलर हो तो आपको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद देख सकते हैं, ये मेरा हार्ड ड्राइव है, मतलब जो कॉमन सा हार्ड ड्राइव अपना लैपटॉप में लगाते हैं उसके लिए मैं कैरी करता हूँ ये हार्ड ड्राइव। अगर आप सीमैन हो, सी फेरर हो, तो आपके लिए हार्ड ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोगों के पास इंटरनेट उतना खास नहीं रहता है, जो रहता है बहुत स्लो रहता है एंड वो नॉर्मल पर्पज़ के लिए होता है, तो हम लोगों को मूवीज़ के लिए हार्ड ड्राइव लेना पड़ता है। तो अब अगर आप लेने की सोच रहे हो हार्ड ड्राइव, तो मैं आपको कहता हूं कि अभी 1 TB वाला हार्ड ड्राइव मत लीजिए, अगर लेना है तो 2 TB या उससे ज़्यादा हार्ड ड्राइव लीजिए। ये है एक पावर बैंक। ये पावर बैंक भी मैं यूज़ करता हूं, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम आपको पता है कि हर जगह हम लोगों को चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, तो चार्जिंग के लिए, फ़ोन चार्जिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हो गया ये एक जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ एंड गेम खेलने में काम आता है। ये ऑप्शनल है, ये मेरा लगेज में रहता है हमेशा, आपको लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप शौकीन हो तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हो एंड ये बहुत आसानी से मिल जाएगा, सस्ते का भी है। इसके बाद देखिए, ये एक स्क्रब है, जो हम लोग स्क्रब ब्रश कहते हैं इसको, हम लोग वो नहाने के टाइम आपको स्क्रबिंग में काम आता है। इसके बाद देख लीजिए, एक कॉम है, कॉम। उसके बाद 2 फेस वॉश, देन शैम्पू हो गया। शैम्पू के बाद आप देखिए, यहाँ पे एक मॉइस्चराइजर हो गया, मॉइस्चराइजर। फिर अगर आप बॉडी ऑयल यूज़ करना चाहते हो तो आप बॉडी ऑयल यूज़ कर सकते हो। एंड ये है बॉडी वॉश। इसके बाद देखिए, लैपटॉप हो गया,
लैपटॉप के साथ मेरा चार्जर हो गया, देन ये कुछ काइंड ऑफ सॉकेट्स मैं रखता हूँ साथ में, अगर आप चाहते हो तो एक ट्रेवलर सॉकेट भी रहता है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ का होता है वो ले सकते हो। लेकिन ये एक्चुअली मेरे लिए क्या हो गया कि मैं बहुत दिन से सेलिंग कर रहा हूँ एंड थोड़ा थोड़ा खरीदते खरीदते से, ये देखिए यहाँ का ना अभी DH8 लिखा हुआ है, मतलब ये मैं दिराम में ख़रीदा था दुबई से, तो अलग अलग जगह से अलग अलग जैसा मुझे रिक्वायरमेंट पड़ा मैं लेने लग गया। तो ये आप ले सकते हो, एक मल्टी अडेप्टर ले सकते हो। यहाँ पे एक स्टेपलर मैं रखता हूँ छोटा सा हमेशा, एंड यहाँ पे ये है मेरा OTG केबल जो मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट करके मूवी कभी कभी देख लेता हूँ। ये है एक शो पीस जो मेरे रूम में मैं हमेशा रखता हूँ, ये मेरे वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड ये मैं शो पीस हमेशा रखता हूँ अपने, आपको पता होना चाहिए किस लिए मैं रखता हूँ, ये अच्छा भी लगता है, मेमोरी के लिए भी काम आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये है एक वेट स्केल, मतलब इससे आप मैक्सिमम 50 केजी तक बैगेज वेट कर सकते हो। जब आप फ्लाइट में ट्रेवल करोगे तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशन रहता है, वो लिमिटेशन के लिए ये स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके आप अपना लगेज नाप सकते हो एंड हिसाब से आपका पैकेजिंग कर सकते हो। यहाँ पे हो गया दो टूथपेस्ट एंड कुछ टूथब्रश, शायद आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप हॉस्टल में जा रहे हो या फिर इंडिया के अंदर हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सी फेरर हो आप या फिर सी मैन हो आप तो आपको ये बहुत नेसेसरी है। आप थोड़ा ज़्यादा आइटम ले लीजिए, जैसे ये 150 ग्राम का दो है, अगर आप चाहो तो 200 ग्राम का दो ले सकते हो, या फिर टूथब्रश तो मिनिमम 3 या 4 आपको लेना ही है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इजीली आपको नहीं मिलेगा। खासकर अगर आप टैंकर में सेल करते हो तो बहुत रेयर चांस आपको मिलेगा कि आप शोर में जा सको एंड आपके लिए शॉपिंग कर सको, एंड उस हिसाब से एक बॉन्ड स्टोरेज भी रहता है, वो बॉन्ड स्टोर में भी आप ले सकते हो। बॉन्ड स्टोर क्या है एंड कैसे ये इशू होता है, बॉन्ड स्टोर के रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए होगा आप अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो एक लिंक, या फिर आप ऊपर एक कार्ड देख सकते हो, वो कार्ड में जाके मेरा एक दूसरा वीडियो है बॉन्ड स्टोर रिलेटेड, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो ये है दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रे या फिर परफ्यूम कह सकते हो, ये मैं कैरी करता हूँ दो अलग अलग, क्योंकि ये मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड कभी कभी अच्छा भी लगने लगता है, बाहर जब आउटिंग जाओगे तो आपको बहुत नेसेसरी होगा। इसके बाद आप देख सकते हो रेजर, देन एक्स्ट्रा ब्लेड्स, देन शेविंग फोम, देन शेविंग ट्रिमर, ये हो गया आपका हेयर ऑयल। इसके बाद देख सकते हैं ये एक है अपना कॉफ़ी मग, ये कॉफ़ी मग थर्मल है एंड इसको मैंने US से लिया था, आप भी मेरे हिसाब से एक कॉफ़ी मग ले लो जब भी शिप पे जाते हो, क्योंकि ये बहुत काम आता है। आपको ऐसे कॉफ़ी मग तो शिप में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी खुद का लेना एक अलग चीज़ होता है, आपका खुद का सामान आप लेके साथ में चलो तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देन यहाँ पे चप्पल भी साथ में लेता हूँ मैं, और ये चप्पल थोड़ा सा आप देख सकते हो ये थोड़ा सा मोटा है एंड इसका हीलिंग भी थोड़ा सा अच्छा है, मतलब हील जो है इसका साइज़ थोड़ा सा अच्छा है, ये नरम भी है, मैं ऐसे देख के लिया है, फ्लाइट का है। क्यों ये क्यों मैंने लिया, क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, इसके लिए ऊपर जाके आप एक वीडियो देख सकते हो, कार्ड में मैं दे देता हूँ उसका क्या रीज़न है मैं क्यों ऐसा बात बताया। एंड ये और भी इसके साथ एक चीज़ है, ये है एक सिलिकॉन हील जो आपके जूते में डाल के आप यूज़ कर सकते हो। देन ये हो गया आपका एक नी कप की ज़रूरत ऐसा होता नहीं है, ये मुझे एक सीनियर ने एडवाइस किया था कि साथ में हमेशा रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका घुटना ट्विस्ट हो जाता है या फिर बहुत स्ट्रेंथ के कारण से पेन होने लगता है, तब जाकर आप पहनते हो तो आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। इसके बाद आता है आप अपने हिसाब से अंडरवेयर साथ में ले लीजिए कितना आपको लेना है, एंड सॉक्स। ये सॉक्स इतना बड़ा है आपको लगे कि इतना सारा सॉक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में है कि अगर आप बॉयलर सूट एंड सेफ्टी शूज़ पहनते हो तो सेफ्टी शूज़ में आपका जो सॉक्स होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसके लिए थोड़ा इसका कुशन भी है। ये मैं US से लिया था, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलेगा, आप थोड़ा सा कुशन जो है कुशन टाइप का आप सॉक्स साथ में ले सकते हो जो आपको बॉयलर सूट एंड सॉरी सेफ्टी शूज़ में पहनने के लिए काम आएगा।
और यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल सा टी शर्ट्स एंड हाफ पैंट्स एंड आपका जो ट्रैक पैंट्स होता है वो है, जो रात में आप पहन सकते हो, रेगुलर यूज के लिए आप पहन सकते हो शिप पे, या फिर अगर आप बाहर आउटिंग में जाते हो तो आपको कुछ अलग सा कपड़े लेने पड़ेंगे, जो आपका शर्ट्स हो सकता है, टी शर्ट्स होता है, जीन्स हो सकता है। ज़्यादा आप मत लीजिए क्योंकि ज़्यादा बाहर जाने का मौका तो ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन जो भी मिलता है उतने में दो तीन जोड़ी काफ़ी है। खामखा आपका ज़्यादा लगेज बढ़ जाएगा तो आपके लिए आगे दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैं दो टाइप का जैकेट्स लिया, ऊपर वाला जो ब्लैक कलर का है वो है एक स्वेटर, ये स्वेटर हम लोगों को मैं तभी यूज़ करता हूँ जब थोड़ा ठंडी रहती है वाला, एंड नीचे वाला जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब पहनता हूँ। तो दो अलग अलग टाइप का मैं जैकेट्स हमेशा साथ में ले लेता हूँ। अभी ये है एक हीटिंग पैड, इसको आप कमर में लगा सकते हो। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ फॉरेन करेंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन करेंसीज। ये मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो कैश एडवांस हमको लोग मिलता है वो कैश एडवांस से बचा के थोड़ा बहुत $100-200 साथ में रख लेता हूँ, तब जाके आगे जब नेक्स्ट ज्वाइनिंग हमको होता है तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। एंड ये हो गया मेरा फोल्डर, ये फोल्डर में क्या है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको शिप पे ज्वाइनिंग के लिए चाहिए होगा एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना चाहिए, ये सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप ऊपर जाके डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर कार्ड में जाके देख सकते हो। देन यहाँ पे कुछ अलग सा चीज़ जो ये है कॉम्फर्ट, जो आपको जनरली शिप पे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये ₹3-3 का पैकेट आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो मैं उठा लिया थोड़ा ज़्यादा। एंड एक वैनिश, कभी कभी हम लोगों को कुछ स्टेन हो जाता है कोई कपड़े में तो उठाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा वैनिश भी मैं साथ में ले लेता हूँ। इजी ले लेता हूँ क्योंकि स्वेटर धोना पड़ता है, स्वेटर अगर आप नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर में धोते हो तो बहुत दिक्कत हो जाता है। वैसे आपको शिप पे तो डिटर्जेंट पाउडर मिल जाता है, आपको सोप भी मिल जाता है, टॉवल भी मिल जाता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जुगाड़ साथ में लेके जाता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप शिप पे काम करते हो तो ज़रूर एक टॉर्च साथ में रखिए, क्योंकि ये कभी भी टाइम में आपको काम आएगा। ये है एक रेजर ब्लेड जो मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। ये एक है सीजर, ये सीजर ऐसे काम में आता है, ऊपर से आपको जब आप ग्रूमिंग करते हो मतलब शेविंग्स वगैरह करते हो तभी भी आपको ये काम आएगा। ये हो गया एक नेल कटर, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है ना ये चीज़, यस मैगी मसाला, इसके बिना जहाज़ में मत जाना। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि ऐसे खाने का बहुत दिक्कत हो जाता, तो यही जो चीज़ है ना ये आपको बचाएगा। तो ये तो अभी दो है, मैं और लेने वाला हूँ ज्वाइनिंग से पहले, ये एकदम बंच बना लूँगा मैं, तभी जाके शिप पे ज्वाइन करूँगा। अभी आ जाते हैं मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन में देखो ये हो गया पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के बाद ये हो गया एसिडिटी के लिए ये गैस। अभी आप बोलोगे गैस का इतना सारा क्यों लेते हो, गैसोफास्ट भी लिया, पुदीन हरा भी लिया, एंड ये भी लिया रेबलेट डी, ये भी गैस का है, देन एंजॉस प्लस लिया, ये सब क्यों लिया? आपको ऐसा लगता होगा कि इतना लेने की ज़रूरत नहीं गैस वाला, कि मुझे कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम है क्या गैस का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली जब हम लोग पैसिफिक ओशियन क्रॉस करते हैं, समझ लीजिए बहुत लंबा टाइम चलता है एशिया से US जा रहे हैं, तो ये इन बिटवीन ना घड़ी भी चेंज होता रहता है, हर एक दिन एक एक घंटा दो दो घंटा ऐसे चेंज होता रहता है। तो जैसे आपका टाइम चेंज होगा वैसे आपका टोटल ना बॉडी का सिस्टम भी चेंज होता रहता है। जैसे रात को आपको नींद नहीं आएगा, दिन को नींद आएगा, सिमिलर प्रॉब्लम होता है टॉयलेट के कारण से भी, और आपका जो हजम होने लगता है मतलब हजम का जो क्षमता होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, तभी जाके ना ये बहुत इशू होता है। तो इसको आप हंसी मजाक में मत लीजिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी आप शिप पे जाओ तो ये सब चीज़, ये कब्ज़ ओवर है डाबर का, आपको इसबगुल शायद आपको मालूम है, इसबगुल भी सेम चीज़ है, ये सब चीज़ ना साथ में हमेशा लेके जाया करो, कभी भी आपको काम आ सकता है। ये है एक नेजल स्प्रे, ये इसको ऑट्रिविन के सब्स्टिट्यूट कह सकते हो, ऑट्रिविन नॉर्मल होता है लेकिन ये डॉक्टर का रिकमेंडेशन पे है। इसको एक्चुअली अगर यूज़ करते हो तो आपका जो नोज़ का जो ब्लॉकेज है वो क्लियर होता है। ये है फ्लेक्सावेंज, फ्लेक्सावेंज जो नॉर्मल बाम होता है ना वो बाम के बदले में ये है फ्लेक्सावेंज जेल। ये अगर आपका कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सडनली कुछ पेन हो गया, मोच आ गया, तो ये अगर आप लगाते हो तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। ये मेडिकेटेड है, इसके लिए मैं ये साथ में रखता हूँ। ये हो गया यूरिया 10, ये नॉर्मल सा एक क्रीम है जो आपको अगर कटने पे या फिर समझ लीजिए कहीं पे कट हो गया, घाव हो गया तो उसमें आप लगा सकते हो, तो ये आपको काम आएगा। एंड लास्ट में आखिर में आता है ये है अमृतंजन, या आपको मालूम ही है क्या है। तो ये सब चीज़ ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये सब चीज़ ले लेना चाहिए साथ में।